यदि देता हूं कि मुझे भगवान ने पैदा किया, मुझे खुदा ने पैदा किया, मुझे गॉड ने पैदा किया, तो इसका मतलब ये होता है साक्षात मेरे माता पिता का मैं अपमान करूं, जन्म देने वाला मेरे। आदिवासी यानी इस देश का कलेक्टर, आदिवासी यानी इस देश का कमिश्नर, आदिवासी यानी इस देश का आईएएस ऑफिसर, आदिवासी यानी इस देश का अंडर सेक्रेटरी, आदिवासी यानी इस देश का राष्ट्रपति, आदिवासी यानी इस देश का प्रधानमंत्री, आदिवासी यानी हमारे श्याम साहब जैसे मंत्री। सबुटे वर्ताल नहीं मावा गोंड वाना महासभा तो इत मंच के उद्दीवार सबुटे और सगाजन थी नहीं बांधी थे मावा मुंडे उद्दीवारी माऊर बाबू अवाल सेला कमो सब कुछ नावा जैसे खड़ा पेंता पूजा आता परसा पेंता पूजा आता सजोर पेंता पूजा आता अजोर पेंता पूजा आता जित खड़ा पेन बतियांदू सजोर पेन बतियांदू बुढ़ाल पेन बतिया दो तेना पूजा अमोट बाड़ी क्या तो तेना जानकारी मावा गोंडी सका बिडार तून मत्ता होना इत सही बात बंदा दूसरों मानवा लिंतोर अरे गोंडवाना का जो गोंडियन जनसमुदाय है अपने पेन खड़ा में जाता है देव खरियान में जाता है मुर्गों की बलि देता है बकरों की बलि देता है सुअरों की बलि देता है अरे ये हिंसावादी हैं, ये बहुत ही अज्ञानी लोग हैं, ये अंधविश्वासी लोग सारी तोहमतें हमारे इस जनसमुदाय को लगाए जाते हैं। नेन मावा मुन्ने सवाल मंदा कि मावा जो ताकी ना सरी है जिस जो हमारा जीवन मार्ग है जो विशेष मूल्यों से परिपूर्ण है जिन मूल्यों के अनुसार हम जन्म से लेकर तो मरते दम तक उनका पालन करते हुए इस शिरडी सिंगार दीप ने इस प्रकृति में जीवन जीते हैं क्या हम अंधविश्वासी हैं क्या हम हिंसावादी हैं ये सवाल दूसरे लोग करते हैं क्या इन सवालों को हमने स्वीकार करना चाहिए। यदि गोंडवाना का गोंडियन जनसमुदाय परसा पेन की पूजा करता है बड़ा पेन की पूजा करता है अपने देव खरियान में और दूसरा समुदाय यदि करता कहता है कि गोंडवाना का गोंडियन जनसमुदाय इस जंगल में जाकर किसी पेड़ पौधे के नीचे अपने देवी देवताओं की उपासना करता है ये अंधविश्वासी समुदाय। सवाल यहाँ है मंदिर मस्जिद में पूजा अर्चा करने वाले 11 में पूजा अर्चा करने वाले वे विश्वासी हैं हमें नाम रखा जाता है कि ये बलि देते हैं अपने देवी देवताओं को इसलिए हिंसावादी है ये बलि देते हैं अपने देवी देवताओं को इसलिए अंधविश्वासी है। सवाल यहां पर है काउंटर अटैक हमने करना चाहिए लेकिन करेंगे कब तभी हम कर सकते हैं जब दूसरे सभ्यता के लोगों की जो जीवन मार्ग है लोगों का जो जीवन मार्ग है उसके जो मूल्य हैं उसकी जानकारी हमें हो। अपने देवी देवताओं को
मान लीजिए एक सिख भाई है, गुरु नानक से इन्हें परंपरा चली आती है 11 बकरों की बलि देने की। सवाल है, क्या भारत देश में रहने वाला सिख समुदाय अंधविश्वासी है, क्या हिंसावादी है? हमारे मुसलमान भाई बकरीद के दिन हजारों बकरियों की कुर्बानी दे देते हैं, क्या वे अंधविश्वासी हैं? क्या वे हिंसावादी हैं? हमारे उस बंगाल में काली माता की पूजा करते 25 बकरों की बलि दी जाती है, सब बंगाली भाई, क्या वे अंधविश्वासी हैं? क्या हिंसावादी हैं? फिर ये सवाल उनसे ना पूछते हुए गोंडवाना के गोंडियन जन समुदाय को, विशेष रूप से आदिवासी जन समुदाय को, फिर वो भीलवाड़ा क्षेत्र का क्यों न हो, ब्लेच प्रदेश का आदिवासी, मीना प्रदेश का क्यों न हो, वो मुंडारी प्रदेश जिसे झारखंड कहा जाता है, उस मुंडारी प्रदेश का कुड़ुक भाषा बोलने वाला क्यों न हो, हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में राज्य करने मतलब शासन रहने वाले, फिर वो मिकिरी हमारे भाई क्यों न हो, आसामीज क्यों न हो, बोडोज क्यों न हो, मीजोज क्यों न हो, इनके प्रति ऐसे विचार इस देश के लोग रहते हैं जो अपने आप को प्रगत कहते हैं। हमें यह समझना है कि किस शक्ति की हम उपासना करते हैं जिसे बड़ा देव शक्ति कहते हैं, वो बड़ा देव शक्ति यानी हमारी माता और पिता, हमारा दाई और दाऊ शक्ति, सल्ला के रूप में दाऊ की शक्ति, गांगरा के रूप में माता की शक्ति, इन दो प्रतीकों की उपासना हम सल्ला गांगरा के रूप में, और यही दाऊ और दाई शक्ति में वो ताकत है कि जो जीव जगत को जन्म दे सकती है, बाकी किसी भगवान में नहीं, किसी खुदा में नहीं, किसी गॉड में। मान लीजिए गोंडवाना का गोंडियन जन समुदाय को किसी ने मतलब प्रश्न किया कि आपने ने आपको किसने जन्म दिया है, और मैं यदि कहता हूं, उसका उत्तर यदि देता हूं कि मुझे भगवान ने पैदा किया, मुझे खुदा ने पैदा किया, मुझे गॉड ने पैदा किया, तो इसका मतलब यह होता है साक्षात मेरे माता पिता का मैं अपमान, जन्म देने वाला मेरा माता पिता है, उसका मैं अपमान करता हूं। इसलिए इस सल्ला और गांगरा शक्ति के रूप में हम उस वर्षा पेन शक्ति की उपासना, उस बड़ा देव शक्ति की उपासना, उस बड़ा पेन शक्ति की उपासना, दाई दाऊ की शक्ति के रूप में, पूना पूना शक्ति के रूप में, शक्ति यानी समनी उन्मनी शक्ति के रूप में, दाया बाया शक्ति के रूप में, धन ऋण शक्ति के रूप में, इन्हीं दो शक्तियों की क्रिया प्रक्रिया से नवजीव सत्व निर्माण होते हैं। यह प्रकृति का सिद्धांत है। हमारा जो फड़ापेन शक्ति है उसके हम विज्ञान के 5 कसौटियों में हम परख सकते हैं। विज्ञान यह कहता है जो इन 5 कसौटियों में नहीं उतरता है उसे झूठा मानिए, और जो उतरता है उसको सच्चा मानिए। हम अपने माता पिता को छू कर देख सकते हैं, हमें अपने माता पिता की आवाज सुन सकते हैं, हम अपने माता पिता को अपनी जीवा से चाट कर देख सकते हैं, हम अपने माता पिता को स्पर्श करके देख सकते हैं, अर्थात विज्ञान के 5 कसौटियों में हमारे माता पिता जिसे सल्ला और गांगरा सबसे बड़ा शक्ति कहते हैं, हम उनको विज्ञान के कसौटियों में परख सकते हैं। इसका मतलब हमारे माता पिता झूठे नहीं हो सकते, हमारी फड़ापे शक्ति झूठी नहीं हो सकती। होगा झूठा जो भगवान यानी स्वर्ग में रहता है कहते हैं, होगा झूठा वो आदमी जो अपने खुदा को स्वर्ग में रहता कहते हैं, होगा झूठा वो आदमी जो अपने गॉड को स्वर्ग में स्वर्ग यानी स्वर्ग के निवासी बताता। गोंडवाना का गोंडियन जन समुदाय, न केवल गोंडवाना का गोंडियन जन समुदाय बल्कि भारत देश का, फिर वो म्लेच्छ प्रदेश का मीना क्यों न हो, भीलवाड़ा का भील क्यों न हो, हमारे झारखंडी भाई वो कुड़ुक भाई क्यों न हो, हम सभी इसी
फड़ापेन शक्ति की उपासना, सजोरपेन शक्ति की उपासना, बिलोटापेन शक्ति की उपासना श्रद्धा स्थल में करते हैं, पेन कड़ा में करते हैं, तो हम कभी अंधविश्वासी नहीं हो सकते, हम हिंसावादी नहीं हो सकते, क्योंकि ये प्रकृति का सिद्धांत है। प्रकृति का सिद्धांत है कि एक जीवाश्म दूसरे जीवाश्म पर निर्भर है। यदि शेर है तो दूसरे जानवरों को खाएगा ही, यदि छिपकली है तो कीड़े मकोड़ों को खाएगा ही, यदि सांप है तो मेंढक को खाएगा ही। ये प्रकृति का सिद्धांत है, और उसी सिद्धांत के अनुरूप यदि प्रकृति के हम अंश है, यदि शेरडी सिंगार दीपता अमोट उन्दी अंश आंदोन ते अब शेरडी सिंगार दीपता मावा जो नियम बनना है माकुन लागू आई, यानी जिस प्रकृति जिस धरती के ऊपर हम फल फूलते हैं, या शेरडी सिंगार शक्ति की जो नियम है, जो अन्य जानवरों को लागू है, अन्य जीवाश्मों को लागू है, वही हमें लागू होते हैं, क्योंकि हम ही प्रकृति के अंश है। तो फिर एक नियम है, एक प्रकृति का है कि एक जीवाश्म दूसरे जीवाश्म पर निर्भर है, एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर है, तो पर या तो अन्याय अत्याचार जिसे कहा जाता है, हिंसा अहिंसा, ये चीज होना है, अनिवार्य है, इसे कोई रोक नहीं सकता, इसे कोई अरे क्या कहते हैं महात्मा जी के भाषा में, कोई भी अंधविश्वास यानी अहिंसावादी क्यों ना हो, भगवान बुद्ध के भाषा में कोई भी अहिंसावादी क्यों ना हो, या हम कहेंगे महात्मा वो महावीर के बारे में, जो भी चाहे वो महावीर हो, भगवान गौतम बुद्ध क्यों ना हो, महात्मा गांधी क्यों ना हो, या ईसा मसीह क्यों ना, ये हिंसा अहिंसा जो यहाँ चलते आ रहा है, इसे रोक नहीं सकता, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, एक जीवाश्म दूसरे जीवाश्म पर निर्भर है। अजी इसका मतलब है कि हमारे गुरुजी ने जिसे पांडी पारी कुपार लिंगो कहा जाता है, उन्होंने जो विचार दिए, जो मंत्र है, इनके अध्ययन कीजिए, बहुत जरूरी है कि जीवा परो जीवा पिसिंता हिदे निवे आंधु सिर्दिता, करो जीवा भिन्से मायता हीनो जीवा मुरे बासी अंता, जीवा सिये तुन हिले मावा जीवा वोये तुन हिले तावा। ये नियम है कि जीवा परो जीवा पिसिंता है, एक जीवाश्म दूसरे जीवाश्म पर ऊपर निर्भर है, करो जीवा भिन्से मायता हीनो जीवा मुरे बासी अंता, जो सबल है ताकतवर है वो अपना अस्तित्व बनाकर बनाए रख सकता है, और जो निर्बल है वो अपना अस्तित्व मिटाता है, उसको मरना ही है, ये प्रकृति का इन्हें अटल सिद्धांत है। हमारे धर्म गुरु ये भी कहते हैं कि जो हमारे लिए घातक है उसे बचाओ भी मत, और जो पोषक है उसे मारो भी मत, अर्थात हिंसा और अहिंसा के बीच में धर्म सिद्धांत इस प्रकृति में निवास करने वाले, फिर वो गोंडवाना का गोंडे जनसमुदाय क्यों ना हो, भीलवाड़ा का वो भीली समुदाय क्यों ना हो, बिलच प्रदेश का मीना समुदाय क्यों ना हो, या झारखंडी के हमारे संताल हो, मुंडा भाई क्यों ना हो, वे सभी के सभी इसी तत्व के अनुसार जीते। अब यहाँ बताइए कि गोंडवाना के गोंडी जनसमुदाय को, या हमारे आदिवासी जनसमुदाय को, ये अंधविश्वासी है, ये अज्ञानी है, ये हिंसाचारी है, ऐसे बोलने वालों, हमें ये पूछना है, उस गुरुद्वारा के सिखों को पूछिए क्या वे हिंसावादी है या अहिंसावादी है, उस कुर्बानी देने वाले हमारे मुस्लिम भाइयों को पूछिए कि क्या वे हिंसाचारी है और या अहिंसावादी है, ये बंगाल के काली माता को बलि चढ़ाने वाले हमारे बंगाली भाइयों को पूछिए,
कि क्या वे हिंसावादी है अहिंसावादी है, तब हमें बात कीजिए कि ये आदिवासी जन समुदाय अंधविश्वासी है हिंसावादी है, क्योंकि ये सरेआम कहा जाता है, सरेआम कहा जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि हम जिस फड़ा पहन शक्ति, जिस सजोर पहन शक्ति, जिस हजोर पहन शक्ति, जिस गुडाल पहन शक्ति की उपासना करते हैं, उस गुडाल पहन शक्ति की उपासना करने के पीछे हमारा जो दार्शनिक आधार है वह माता और पिता शक्ति का आधार है। मेरे माता पिता मेरे बढ़ा दे, उनके माता पिता उनके बढ़ा दे, उनके माता पिता उनके बढ़ा दे, उनके माता पिता उनके बढ़ा दे, यानी सब अर्थात माता और पिता शक्ति। मुझे जन्म देने वाला मेरे माता पिता, मेरे माता पिता को जन्म देने वाले उनके माता पिता, उनके माता पिता को जन्म देने वाले उनके माता पिता, अर्थात ईश्वर नाम की, भगवान नाम की, खुदा नाम की नहीं बल्कि पेन शक्ति हमारे लिए महत्व है। पेन शक्ति भगवान नहीं, हमारे लिए महत्व है खुद, यानी पेन शक्ति खुदा नहीं हमारे लिए महत्व है, पेन शक्ति गॉड नहीं हमारे लिए महत्व है, पेन शक्ति ईश्वर नहीं। मान लीजिए भूले से भी धर्म का प्रचार करते हुए, हमारे समाज को जागरूक करते हुए, कभी आत्मा और परमात्मा शब्द आपने नहीं आएगा, क्योंकि आत्मा परमात्मा से हम जुड़े हुए नहीं है, हम जीव सत्वों से जुड़े होते हैं। जी यानी मरणोपरांत हमारा यानी पेन कारण करके हम जीव मिलाते हैं, प्रकृति के सत्वों में हम जीवों को मिलाते हैं, अर्थात हमें जीव का महत्व है, परमात्मा का महत्व नहीं। यदि हम इस जीव तत्व को, जीव तत्व को यदि आत्मा कहने लग गए, इस जीव तत्व को वो सोल कहने लग गए, तो फिर हम में और अंग्रेजों में, हम में और आर्यों में, हम में और मुस्लिमों में, हम में और क्रिश्चियनों में, हम में और जो हमारे जैन भाई है उनमें कोई मतलब कोई फर्क नहीं। फर्क इसलिए है कि हम सृष्टिवादी हैं, इस प्रकृतिवादी हैं, ईश्वरवादी नहीं। वो जो कहता है कि ब्रह्म सत्यम जगन नित्यम, लेकिन गोंडवाना का गोंडिया जनसमुदाय ये कहता है जगन सत्यम ब्रह्म नित्यम। ये माता पिता है, ये मेरे भाई भाई है, ये मेरे माता मामा है, ये मेरे सगा जन है, ये दूसरे लोग कहते हैं आर्य लोग, ये माया जाल है, सब झूठा है। अरे झूठा कैसे हो सकता है, मेरे माता पिता झूठे कैसे हो सकते हैं, मुझे जन्म देने वाले मेरे फड़ापन झूठा कैसे हो सकता है। होगा तेरा भगवान जो आंखों से दिखाई नहीं देता, मेरा माता पिता मेरी आंखों से दिखाई देता है। मेरे माता पिता का जायका मैं अपने जीवा से ले सकता हूँ, मेरे माता पिता को ठोक पीट कर बजा सकता हूँ, मेरे माता पिता का आवाज मैं अपने कानों से सुन सकता हूँ, यानी विज्ञान के पंच कसौटियों में इस माता पिता शक्ति को मैं खड़ा यानी उतार सकता हूँ, इसलिए मैं अंधविश्वासी नहीं, गोंडवाना का गोंडे जैसा अंधविश्वासी नहीं हो सकता। इसलिए फड़ा पहन शक्ति, सजोर पहन शक्ति, बिलोटा पहन शक्ति, हजोर पहन शक्ति की हम उपासना करते हैं। और मैं यह अंत में निवेदन करूंगा कि आप यानी आप जिनको भी मेरे विचार समझे होंगे, मेरे सगाजनों को और बताइए, हो सकता है आप में से 50% लोग इन यानी कुछ विचारों को समझे होंगे, हो सकता है 10% लोग समझे होंगे, तो वे 10% लोग अपने यानी अपने अपने एरिया में जाकर अपने अपने जनसमुदाय को बताएं कि हम बिल्कुल स्वाभिमान से जिए। मेरा कहने का मतलब है कि गोंडवाना का गोल्डन जनसमुदाय को किसी ने कहा ये आदिवासी, तो यानी मतलब मुंडी झुका दे, बराबर आदिवासी शब्द की कोई की मतलब मिलेंगे तो नहीं हमारे लिए। संविधान ने, भारत देश का संविधान बना, भारत देश के संविधान ने हमें जनजाति कहा है, अंग्रेजी में शेड्यूल ट्राइब कहा है, आदिवासी नहीं कहा। आदिवासी का मीनिंग कहता है जंगल में रहने वाला, पेट बिगाड़ करने वाला, अज्ञानी, अड़ानी, दारू पीने वाला, ऐसा यदि मीनिंग है आदिवासी का, और मान लीजिए हम अपने आप को यदि आदिवासी कहते हैं, तो ये एक चैलेंज हमारे सामने है कि हम इस आदिवासी शब्द का जो अर्थ है, जो मीनिंग है, उसे चेंज करना होगा। आदिवासी यानी उस बुढ़ा देव शक्ति का उपासक,
आदिवासी यानी उस बुढ़ादेव शक्ति का उपासक जो प्रकृति की सर्वोच्च शक्ति है और विज्ञान सम्मत है, सत्य है। आदिवासी यानी वह व्यक्ति यानी भेट भिखार करने वाला, जंगल में रहने वाला, लगोटी लगाने वाला नहीं, बल्कि आदिवासी यानी चैलेंज है हमारे लिए। आदिवासी यानी इस देश का कलेक्टर, आदिवासी यानी इस देश का कमिश्नर, आदिवासी यानी इस देश का आईएएस ऑफिसर, आदिवासी यानी इस देश का अंडर सेक्रेटरी, आदिवासी यानी इस देश का राष्ट्रपति, आदिवासी यानी इस देश का प्रधानमंत्री, आदिवासी यानी हमारे श्याम साहब जैसे मंत्री। यानी ये समीकरण हमें बदलाना होगा, ये चैलेंज है हमारे। अर्थात हमें मालूम है हमारी भाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने का इस स्वतंत्र भारत में हमें अधिकार नहीं है। हमें मालूम है आर्टिकल 29 ये कहता है, भारत देश का संविधान, कि जो जन समुदाय की जो मातृभाषा होगी उसी भाषा के माध्यम से उसकी शिक्षा की व्यवस्था सरकार करेगी, ऐसा अभिवतन भारत देश के संविधान ने दिया है। हम तो इस देश के गुलाम हैं, आजाद भारत के इस आदिवासी गुलाम हैं, इसलिए हमें हमारी मातृभाषा के माध्यम से संविधान में प्रावधान होने के बावजूद भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। हमारे देव खरियान जो होते हैं पेड़ के पेड़ पौधों के नीचे, उनको सरेआम काटा जाता है। यानी इस देश में सभी धर्मों को आधार दिया है, मस्जिद वालों को आधार दिया है, मंदिर वालों को आधार यानी आधार दिया गया, गुरुद्वारा वालों को भी यानी इस देश में कुछ कानून पास करके उनके भी सुरक्षा की गारंटी बहाल की गई है। लेकिन हम आदिवासियों के देवी देवताओं को, हम आदिवासियों के जो सामाजिक मूल्य हैं, जो धार्मिक मूल्य हैं, इनकी हिफाजत की गारंटी किसी भी राज्य सरकार ने, तो केंद्र सरकार ने दी है न राज्य सरकार ने दी है। हमें गुलाम, हम जैसे कि हमें ये नाला क्रॉस किए वहाँ महाराष्ट्र लग जाता है, अब मध्य प्रदेश के यानी हिंदी भाषी को क्या हम गुलाम हो गए, इस महाराष्ट्र में मराठी भाषी को गुलाम हो गए, हमारे तेलुगु भाषा तेलंगाना में अर्थात आंध्र प्रदेश में कुछ हमारे भाई रहते हैं तो वे आंध्र भाषी को, मतलब जो तेलुगु भाषा है उस तेलुगु भाषा के भाषी को गुलाम हो गए, कुछ हमारे भाई छत्तीसगढ़ी भाषी के गुलाम हो गए, उड़ीसा में जो रहते हैं वो उड़ियाओं के गुलाम हो गए, तो फिर हम स्वतंत्र कहाँ हैं? सवाल है इस जन समुदाय को अपना अस्तित्व बचाना है या नहीं। हमने देखा है कि इस देश के जो भी जिन भी लोगों ने आंदोलन किया, है उनको अधिकार, उनके अधिकार मिले हैं। हमने गुजरात बोलता हूँ, गोवा एक छोटा सा स्टेट, इस गोवा को पृथक राज्य का दर्जा दिया, मतलब इसी देश ने दिया। मिजोरम को पृथक राज्य का दर्जा इसी देश ने दिया। इस छत्तीसगढ़ को पृथक राज्य का दर्जा इसी देश ने दिया। झारखंड को पृथक राज्य का दर्जा इसी देश ने दिया। तो गोंडवाना के गोंडी जन समुदाय की सर्वांगीण विकास साध्य करने के लिए, गोंडवाना के गोंडी जन समुदाय की सांस्कृतिक धार्मिक मूल्यों की हिफाजत करने के लिए, गोंडवाना के गोंडी जन समुदाय की आर्थिक विकास साध्य करने के लिए हमारा अपना यानी क्या है, मध्य प्रदेश में गुलाम हो गए, महाराष्ट्र में गुलाम हो गए, आंध्र प्रदेश में गुलाम हो गए। क्या इस देश में हमें अपनी भाषा के माध्यम से एक राज्य में रहने का अधिकार नहीं? क्या इस देश में हमारे कानून कायदा के अनुसार कोर्ट में न्याय पाने का अधिकार नहीं? हिंदू कानून लागू किया जाता है? क्या इस देश में हमारे देवी देवता जो हैं उनकी पूजा अर्चा उस पेड़ के नीचे करने का भी हमें अधिकार? यदि मान लीजिए इस देश के यदि आजाद नागरिक है तो हमें वे सारे अधिकार होने चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से वे अधिकार अभी भी हमें प्राप्त नहीं हुए। ये प्राप्त कैसे हो सकते हैं? संगठन से हो सकते हैं, और धार्मिक शतरंजी एक है। हो सकता है मैं यह मतलब शिवसेना वाला हूँ, राजनीतिक विचार श्याम जी से नहीं मिलते होंगे,
हो सकता मैं कांग्रेस वाला हूँ, राजनीतिक विचार से नहीं मिलते होंगे, लेकिन जहाँ तक धर्म का सवाल है, गोंडवाना के गोंडे जन समुदाय के धर्म का सवाल है, मेरे विचार और श्याम जी के विचार, मेरे विचार सिरसाम जी के विचार, मेरे विचार आहाके जी के विचार से अलग हो नहीं सकते। हम धार्मिक सत्र जी बिल्कुल एक जगह आ सकते हैं। इसलिए इस परसा फड़ा पेन पूजा, इस बुढ़ादेव पूजा का महत्व है हमें एक जगह संगठित होने के लिए। तो ये विचार कृपया अपने सगा जनों तक पहुंचाइए। मैं यही अपने दो शब्दों को विराम देता हूं। इन फड़ा पेनता, अरे जोरता जोरता ले, फड़ा पेनता जोर पेनता पानी पारी। जय देवा जय गोविंद।